रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश के बाद रूस ने अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर एक बड़ा हमला कर दिया है। खबरों के मुताबिक रूस ने अपने हमलों में सबसे पहले यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह करना शुरू कर चुका है। इसके बाद एक के बाद एक धमाकों की आवाज आ रही है। रूस और यूक्रेन के इस युद्ध को लेकर अभी तक क्या क्या हो चुका है, रूस ने यूक्रेन के किस किस जगहों पर हमला किया है, रूसी सेना कितनी जगहों से यूक्रेन में घुस रही है, आइए आपको सब बताते हैं। This is what we know so far. In Moscow, Vladimir Putin announced the military operation just before 3 a.m. UK time. At the same time, an emergency meeting of the Security Council was taking place in New York. पहले ये जान लो कि हमले कहां कहां हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने बयान में साफ साफ बताया है कि रूस ने उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, साथ ही यूक्रेन की राजधानी कीव, इसके अलावा निप्रो और खार्किव, ये सब यूक्रेन के इलाके हैं। इन जगहों पर मौजूद आर्मी हेड क्वार्टर पर भी हमले किए गए हैं और साथ ही हवाई पट्टी, मिलिट्री वेयर हाउसेस पर भी रूसी धमाकों की आवाज यूक्रेन में गूंज रही है। और अब तो रूस ने यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में भी हमला करना शुरू कर दिया है। यूक्रेनी मिलिट्री का कहना है कि उसने रूस के 5 फाइटर जेट को मार गिराए हैं, 2 टैंक को तबाह कर दिया है और 50 रूसी सैनिक भी मारे गए हैं। लेकिन रूस यूक्रेन के इन दावों को यह कहकर खारिज कर दिया है कि उसे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है और ना ही हमारे किसी फाइटर जेट को यूक्रेन ने मार गिराया है। लेकिन यह जंग शुरू कैसे हुई? आज सुबह सुबह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक वीडियो वहां के न्यूज चैनल पर चलाया जाता है, जिसमें उन्होंने यूक्रेन के पूर्वी डोनबास इलाके में हमला करने का आदेश दे दिया। यह वो इलाका है जहां पर रूसी भाषा बोलने वाले यूक्रेनी ज्यादा तादाद में रहते हैं और इस इलाके में 2014 से ही रूसी समर्थक विद्रोहियों का कब्जा है। रूसी राष्ट्रपति के बयान के आने के कुछ देर बाद ही यूक्रेन में धमाकों की आवाजें आने लगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर राष्ट्रपति पुतिन ने अपने बयान में कहा क्या। पुतिन ने सबसे पहले कहा कि रूस का यूक्रेन पर हमला करने और उस पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन हमें यह हमला अपनी सेफ्टी के लिए करना पड़ रहा है। पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में तैनात यूक्रेनी आर्मी से भी अपील की। उन्होंने कहा यूक्रेनी सेना अपने हथियार डाल दे और अपने घरों को लौट जाए। तीसरा पॉइंट जिस पे सबकी नजर थी, वो कहते हैं कि रूस के हमले के दौरान किसी भी बाहरी देशों के इंटरफेयर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बल्कि उसका तुरंत जवाब दिया जाएगा और उनको तबाह कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी टीवी पर आए और उन्होंने कहा पुतिन ने यूक्रेन पर पूरी तरह से चढ़ाई कर दी है, रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, उस पर मिसाइलें दागी हैं और बॉर्डर पर हमारे बॉर्डर गार्ड्स पर भी हमले किए हैं। इन सब को देखते हुए पूरे यूक्रेन में मार्शल एक्ट को लागू कर दिया गया है। मार्शल एक्ट क्या है, किसी और वीडियो में बताएंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आगे कहा कोई दहशत नहीं है, हम मजबूत हैं, हर बात के लिए तैयार हैं, हम हर किसी को हराएंगे क्योंकि हम यूक्रेनी हैं। यह सब तो कहने की बात है, लेकिन हालात जिस तरह से बन गए हैं उसको देखते हुए यूक्रेन इस वक्त एक बड़े खतरे के सामने खड़ा है, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति के आदेश के बाद रूसी आर्मी यूक्रेन में घुस चुकी है। यूक्रेन ने ही बताया कि रूसी आर्मी टैंक के साथ पूर्वी, दक्षिणी और उत्तर के बॉर्डर की तरफ से यूक्रेन में घुस रही है। यूक्रेन के बॉर्डर गार्ड ने बताया कि रूसी आर्मी बेलारूस से यूक्रेन के उत्तरी चेर्निहाइव इलाके में घुस चुकी है। बेलारूस के बारे में जान लो, बेलारूस काफी लंबे टाइम से रूस के सपोर्ट में रहा है। विदेश नीतियों के जानकार बेलारूस को रूस का क्लाइंट देश बताते हैं, जिसका फायदा यहां रूस ने उठाया है। इसी के साथ यूक्रेन के लुहांस, खार्किव और क्रीमिया इलाकों में रूसी आर्मी का जमावड़ा पहुंच चुका है। इन सारे हालात को देखते हुए, समझते हुए ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यूक्रेन इस टाइम एक बड़े खतरे का सामना कर रहा है और अब सवाल ये है कि वो कितनी देर कर पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिका रूस को लेकर सांप की तरह फुफकार मार रहा था, वो भी गायब है। खैर, रूस के इस हमले की वजह से भारत में इसका क्या असर पड़ेगा, साथ ही पूरी दुनिया इस युद्ध में
कहां खड़ी होगी और रूस यूक्रेन के इस युद्ध से जुड़े अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट।